कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के मद्देनजर उज्जैन में कांग्रेस ने 1000 ट्रैक्टर के साथ किसान रैली का आयोजन किया। उज्जैन जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में 11 बजे से कृषि उपज चिमनगंज मंडी से ट्रैक्टर रैली प्रारंभ हुई, जिसका समापन कोठी पर कलेक्टर भवन पर हुआ। 26 जनवरी को जहां दिल्ली में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही, वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका दायर की है। पूरे मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस भुनाने में लगी है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। पूरे प्रदेश में अलग अलग तरह जगहों पर किसानों को लेकर ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। इसी तारतम्य में उज्जैन जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज हजारों की संख्या में किसानों ने इस ट्रैक्टर मार्च का समर्थन किया है। यह ट्रैक्टर मार्च कृषि उपज मंडी चिमनगंज से शुरू होकर उज्जैन कलेक्ट्रेट तक जाने वाली है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में जो किसान है वो ट्रैक्टर के साथ में मौजूद है। यहाँ पीछे हमारे पीछे रैली आ रही है, जिसमें किसान हजारों की संख्या में मौजूद है, ट्रैक्टरों पे चढ़े हुए हैं। साथ ही में कांग्रेस के बड़े नेता सज्जन सिंह वर्मा, कुणाल चौधरी आदि नेता कांग्रेस के बड़े वो इस रैली में शामिल है। आइए आपको दिखाते हैं हम कांग्रेस की ट्रैक्टर मार्च की रैली। उज्जैन जिले के चारों विधायक के अलावा बाहर से भी कांग्रेस के बड़े नेता एवं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। यह ट्रैक्टर मार्च चिमनगंज मंडी से कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचा। इस आंदोलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा, कुणाल चौधरी, विधायक महेश परमार आदि शामिल हुए। तराना विधायक ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि यह 3 किसान विरोधी कानून प्रदेश में लागू होने से नहीं रोका गया तो यह आंदोलन नहीं रुकेगा, यह आंदोलन भोपाल तक जाएगा। मोदी सरकार को ध्यान से लेकर आवाज है, किसानों की आवाज है। आज ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। हमारे साथ अभी मौजूद है उज्जैन के जिला अध्यक्ष कमल पटेल जी, बात कर रहे हैं उनसे कि आज जो ये कार्यक्रम किया गया है कांग्रेस के तत्वाधान में, ये क्यों किया गया, कितने लोग इसमें शामिल हुए? आज हजारों की संख्या में कम से कम 2000 ट्रैक्टर किसान हमारे साथ में, हमारे एक एक कांग्रेस के चारों विधायक, हमारे 15 से 16 ब्लॉक अध्यक्ष, उनके आह्वान पर एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता किसान भाई हमारे साथ रोड पे आया, क्योंकि उनकी मांगे जो मोदी जी है जो देश के प्रधानमंत्री 3 काले कानून लाए जो हमारे किसानों के खिलाफ लाए, क्योंकि उन पे ये मान के चलो कि जो 3 कानून लागू हो जाएंगे, मंडी समाप्त हो जाएगी, तो हमारा किसान भाई दर दर की ठोकर खाएगा। दूसरा एक एग्रीमेंट लाए, वो एग्रीमेंट के माध्यम से जो किसानों की जमीन छीनने की बात कर रहे हैं, क्योंकि किसानों की जमीन उसमें छीनी जाएगी, एग्रीमेंट के माध्यम से उसमें एग्रीमेंट में ये आया गया है कि जो आलू 20 रुपये में बिकेगा एग्रीमेंट के माध्यम से, वो आलू एग्रीमेंट 20 रुपये में तय हो जाएगा, दवाई वो देंगे और सब तमाम चीज़ें वो देंगे किसान को खेती करने के लिए, और उसके बाद में फसल पकी जाएगी और उसको जब बेचेंगे तो रेट 20 रुपये से 40 रुपये होगा तो वो खरीदेंगे, और जो उसको उल्टा ले लो कि जो 20 रुपये से 18 रुपये होंगे तो वो आलू एग्रीमेंट में उसमें ऐसी शर्त है कि वो नहीं लेंगे। इस टाइप के 3 बिल आए हैं। एक बिल जो स्टॉक करने की बात आई है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री पूर्व और हमारी कांग्रेस सरकार लाई थी, किसानों के व्यापारी के ऊपर शिकंजा था कि वो 1000-2000 से माल स्टॉक ज़्यादा नहीं रख सकते, पर इन्होंने खुली छूट हमारे किसानों के नाम से दी है। हमारा किसान मध्य प्रदेश या भारत का किसान हमारा इतना सक्षम नहीं है कि जो माल स्टॉक इतना रखे, क्योंकि उसको अन्न मतलब अगली खेती करने के लिए तुरंत पैसा चाहिए, तो वो तत्काल सोयाबीन बेचता है और दूसरी खेती करता है। ये उसके आड़ में हमारे भोले वाले किसानों के साथ में वो खिलवाड़ कर रहे हैं और कंठ पे एक तलवार के रूप में चला रहे हैं। तो हम उसकी कांग्रेस पार्टी और एक एक किसान भाई और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हम उसका विरोध करते हैं, और जब तक हमारी कांग्रेस पार्टी और हमारे कमलनाथ जी जब तक निर्देश देते रहेंगे, उन्होंने अभी 20 तारीख को मुरैना में कार्यक्रम है, 23 का हमारा भोपाल में कार्यक्रम है, उसके बाद भी वो नहीं मानेंगे और बिल वापस नहीं लेंगे, उसके बाद में हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ जी जो निर्देश देंगे हम उनके साथ में पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है, वो जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। ट्रैक्टर मार्च निकाल के आपकी क्या मांग, आपने जो है एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति महापौर से की?
हमने किसानों के मांग से जो राष्ट्रपति जो तीन काले जो बिल लाए हैं उसकी जो है बिल वापस करने की मांग की है कि जो तीन बिल है वो वापस करें। हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी उज्जैन के अध्यक्ष जुड़े हुए थे कमल पटेल जी, उन्होंने बताया कि आज ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था और कितनी संख्या में यहाँ पर जो है वो लोग उपस्थित हुए हैं। उज्जैन से अरविंद देवरी के साथ पल्लवी शर्मा, ग्रामीण। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।